गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटे अपना जो लेसन है पहाड़ से ऊंचा आदमी, ये फोटो के नीचे वाला लाइन तक हुआ था बेटे. नेक्स्ट देखिए, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई. दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नजदीकी वजीरंगस अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था. दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां से जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था. उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता. हाँ, तो यहाँ पे देखो बेटे, एक्चुअली ये संकल्प क्यों आया, ये थॉट क्यों आया बोले तो, पहाड़ से ये लोग इधर से उधर तरफ है अस्पताल, पहाड़ के उस तरफ, तो ये पूरा जाना बोलते, ये पूरा पहाड़ी रास्ता पूरा घूम के जाना पड़ता, तो 90 किलोमीटर गए तो इन लोगों को हॉस्पिटल मिलता. तो इन्हों लेके गए मगर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था. तो डॉक्टर्स ने कहा थोड़ी पहले लेके आए तो जान बच सकती थी. तो तब इनको बहुत दुख हुआ, अगर पहाड़ में से कुछ रास्ता होता तो बहुत कम समय में हम लोग अस्पताल पहुंच सकते थे, मगर रास्ता नहीं रहने के कारण मेरे पत्नी का देहांत हो गया. इसीलिए उन्होंने ये संकल्प लिया कि मेरे साथ जो हुआ वो दूसरे किसी के साथ नहीं होना, इसीलिए वो रास्ता निकालना शुरू करे. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखों और औरों के सपनों से जोड़ दो. तो यहाँ पे एक प्रख्यात कवि है, उन्होंने कहा कि कवि है, उन्होंने कहा कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, जब दुख आया तो डरना नहीं, डट कर सामने ठहर जाना. तो वो कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे को, कुछ भी मुसीबत आए तो डरना नहीं, फर्स्ट थिंग डरना नहीं, बिना डर के निडर के ठहर जाना तो वो अपने सामने छोटा बन जाता. तो वही कहा था उन्होंने. जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव की निवासियों के मन में दबी छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मशीन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया. 5-6 साल तक दशरथ अकेला ही मेहनत करते रहे. धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए. वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे, कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे. तो दशरथ मांझी अकेला ही 6 सालों तक अकेला ही रोज सुबह छनी और हथौड़ी लेके चले जाता था पहाड़ के ऊपर, रोज थोड़ा 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 करके उस पहाड़ को तोड़ना और रास्ता बनाने की कोशिश करना. 6 साल अकेला करा बेटे. लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, पागल समझते रहे, मगर धीरे धीरे इसका संकल्प देके, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं बेटे, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, तो इसका संकल्प देके तब जाके गांव के लोग भी इसका साथ देने लगे कि ये अपने लिए नहीं, अब हमारे लिए कर रहा बोल के जब समझ में आया गांव वालों को, तो वो लोग भी दशरथ मांझी का साथ देने लगे. तो वहां पे एक दान पात्र भी रखा गया, दान पात्र यानी चंदा के लिए बेटे, क्योंकि पूरे गांव के लोग इस काम पर जुड़ गए. तो उन लोगों का रोजी रोटी चलना, सब चलना ना, तो जो लोग इम्प्रेस होते थे इन लोगों के काम देख के, वो लोग थोड़े पैसे भी देते थे और थोड़े जने अनाज भी देते थे, अनाज यानी ग्रोसरीज भी देते थे इन लोगों का गुजारा होने के लिए. आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गेलौर से वजीरंगस जाने की 80 किलोमीटर की दूर को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है. एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा पुअर मैन्स ताजमहल. तो वो जो लंबा जो रास्ता था बेटे अस्पताल जाने का, अब पहाड़ में से रास्ता निकालने के बाद वो 90 किलोमीटर जाके खाली 13 किलोमीटर बन गया. कितना कितना दूरी कम हो गई सोचो, 13 किलोमीटर बन गया. तो ये शख्स था दशरथ मांझी जो ये काम करा. तो जो रास्ता इसने बनाया, तो एक अंग्रेज पर बहुत से लोग इसका इंटरव्यू लेने गए. तो एक यहाँ पे भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी आए थे बेटे, विदेशों से. तो एक अंग्रेज पत्रकार भी आए थे इनसे इंटरव्यू लेने के लिए. तो तब इन्होंने दशरथ मांझी को और उस रास्ते को एक टाइटल देके गए कि पुअर मैन्स ताजमहल,
बल्कि एक टाइटल भी देके गए। हाँ तो बच्चों आज यहीं पर रोकते हैं बेटे, धन्यवाद।